नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। भारत में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की जांच के लिए सरकार ने कई नई लैबों की भी शुरुआत की है। ताजा अपडेट के मुताबिक पूरे देश में 119 सरकारी लैबों को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें से 105 लैब पर टेस्टिंग जारी है, जबकि 15 लैब इस टेस्ट के लिए तैयार की जा रही है। इसके अलावा 26 प्राइवेट लैबों को भी टेस्ट की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि सरकार ने निजी अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं को कुछ शर्तों के साथ जांच की अनुमति दी है। ये इसके लिए 4500 रुपए से ज्यादा नहीं जांच कर सकते हैं। देश भर में 100 से भी ज्यादा टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं उनकी सूची। देश भर में 57 सैंपल इकट्ठा करने वाले सेंटर भी बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 4, असम में 4, बिहार में 3, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली में 1, गुजरात में 4, जम्मू कश्मीर में 1, झारखंड में 1, कर्नाटक में 2, केरल में 1, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 7, मणिपुर में 1, उड़ीसा में 1, पौंडीचेरी में 1, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु में 7, तेलंगाना में 2, यूपी में 1, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 5 सेंटर बनाए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।